ले तेरी झोली भरती हूँ, तेरे यहाँ पुत्र का प्रसाद तुझे अवश्य मिलेगा। कह दू जय माता की। हो गया रुक्मण का। एक वर्ष के पश्चात दिन हफ्ते महीने साल दो साल पांच साल, पांच साल का बालक हो गया रुक्मण। बोल गई कौन सी माँ, किसका जागरण, किसकी जोत, कौन सच्चे दरबार की। हमें तुम्हें भगवान कभी याद आते हैं जी, दुख में। जब कोई दुख हो संकट हो, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। बोल गई रुक्मण किसकी माँ कौन हो। लेकिन कहते भक्तों अगर हम इससे कोई मन्नत मांगे और उसे पूरी ना करें तो ये कुछ ना कुछ जतावा देती है। माने लांगुर वीर को भेजा, जाओ रुक्मण के पांच साल हो गए अभी तक जागरण नहीं करा, उसे बता कर क्या। लांगुर वीर गए, फूंक मारी, बालक के शरीर में दाने निकल गए, जिसे हम लोग कहते हैं माता निकल गई। सब चीज की वैक्सीन बनी है भक्तों, कोरोना की बन गई, बुखार की बन गई, जाटे की बन गई, लेकिन आज तक माता की कोई वैक्सीन कोई दवाई नहीं बनी है, वो केवल नीम के पत्तों से छाड़ने से जाती है। रुक्मण डॉक्टर हकीम के पास जाती बालक को लेकर, लेकिन कहीं उसका इलाज नहीं होता। याद आता है उसे हो ना हो इसका भी उपाय महारानी तारा के पास होता, लेकिन जाऊं किस मुंह से, पांच साल हो गए सवा महीने पश्चात जाना जाना तो पड़े। बालक को गोद में लिया, नीम के पत्ते ठेके और पहुंच गई महारानी तारा के दरबार में। त्राही मां महारानी तारा मुझे क्षमा करो। तारा दासी को भेजती, कहती देखो कौन आया है। दासी कहती महारानी तारा रुक्मण आई है। कहती इसे बुला करके लाओ, क्योंकि पहले नीच ऊंच जाति का बड़ा भेद हुआ करता था, घर के अंदर नहीं आने दिया, बाहर खड़ा कर दिया। कहती रुक्मण याद कर, तूने वचन दिया था सवा महीने पश्चात माँ का जागरण कराऊंगी, आज पांच साल बाद तुझे माँ की याद आई है। कहती मुझसे गलती हो गई थी महारानी, मेरे बालक को ठीक कर। कहते बालक तो ठीक होगा, पहले बता जागरण कब कराई। कह मेरे बालक को ठीक करो, मैं माँ का जागरण करा दूंगी। बोल सच्चे। रानी तारा जोत पर जाती, जोत की थोड़ी बभूति ली, बालक के माथे पर लगाई, शरीर पर चिड़की, बालक स्वस्थ हो गया। बोल सच्चे दरबार की। यह लीला देखकर शरणागत होगी रुक्मण। कहती महारानी तारा मैं बड़ी अनभिज्ञ थी, मुझे पता नहीं था माँ की इतनी शक्ति है, और अब बताओ माँ का जागरण कैसे होता। बोल सच्चे। रानी तारा कहती सबसे पहले मेरी माँ के नाम के डल बांध, डल पंजाबी शब्द, लाल कपड़े में चावल और हल्दी को रंग कर दे, मंडली वालों को दे, मंडली वालों ने तेरे डल स्वीकार कर लिए, तेरे यहाँ जागरण होगा। बोल सच्चे। रानी तारा रुक्मण डल बनाती, डल बना करके ले जाती है मंडली वालों के। मंडली वाले कहते हैं रुक्मण तू नीच जाती की, हम तेरे यहाँ जागरण नहीं करेंगे। और पहले जो जागरण हुआ करते थे भक्तों, वो जागरण माँ वैष्णवी के नहीं होते थे, माँ कालका के जागरण हुआ करते थे। एक बंद कमरे में बाहरी कोई व्यक्ति नहीं बैठता था उस जागरण में, बहुत केवल परिवार के बंदे बैठते थे। मांस और मदिरा का माँ कालका को भोग लगाया जाता, छेने और मंजीरों से वो जागरण हुआ करते थे। वो जागरण है रुक्मण। मंडली वालों ने मना किया, तारा के पास आई, कहती महारानी तारा मेरे डल लेने से मना किया है। कहते अच्छा दोबारा जा, मेरा नाम लेना, तेरे डल अवश्य स्वीकार किए जाएंगे। लेकर के गई डल, मंडली वालों से कहा तारा ने ये डल भिजवाए। तारा का नाम सुनते मंडली वाले कहते तेरे डल तो स्वीकार करते हैं रुक्मण, लेकिन शर्त एक है कि तेरे जागरण में महारानी तारा को आना पड़ेगा। बोल सच्चे। कहते हाँ मैं वचन देती हूँ महारानी तारा मेरे जागरण में जरूर आएगी। महारानी तारा के पास आती, कहती रानी तारा वचन दो तुम मेरे यहाँ जागरण में जरूर आओगी। तारा कहती जरूर आऊंगी रुक्मण बेफिक्र। दोनों बहने बातें करती, कौन सुन लेता है, जो राजा का नाई होता है दाढ़ी बनाने वाला, राजा की दाढ़ी बनाते होठ पर साबुन लग गया, जबरदस्ती लगा देता जानकर। राजा कहते तूने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया, साबुन लगा दिया। कहते महाराज मैं नौकर आपका, उस तरह आपका साबुन आपका कहां से ईमान भ्रष्ट हो गया। अरे मैंने तो केवल साबुन लगाया है, कल क्या होगा जब महारानी तारा नीचो के जागरण में जाकर के मांस और मदरा का प्रसाद खाए। राजा कहता कर तेरी बात झूठ हुई, जन्म बच्चा कोल्हू में पिलवा दूंगा, तुझे मरवा दूंगा कटवा दूंगा। कहते हाँ महाराज कानों से सुना है आंखों से देखा है। कहते ऐसी बात है तो रसोई घर में चलते, रसोई घर में ले जाते हैं। कहते इस उंगली में चाकू से चीरा लगा, चाकू से चीरा लगवाया। कहते अभी इसमें नमक मिर्ची की पट्टी बांध दी। बोल सच्चे दरबार की। देखो आस पास कोई भी
रानी तारा के महल में जाते, कहती महारानी तारा आज मैं तेरी गोद का तकिया बना करके सोना चाहता हूँ। रानी तारा कहती आप मेरे पति परमेश्वर ने जैसे आपकी आज्ञा हो। अपनी गोद का तकिया देती राजा, सर रखकर सोना चाहते हैं, लेकिन किसी के जले कटे पे नमक मिर्ची की पट्टी बांधेंगे, नींद आएगी नहीं। और जब नींद नहीं आएगी तो महारानी तारा जागरण में नहीं जाएगी। सुबह से दोपहर होगी, शाम होगी, लेकिन राजा को नींद नहीं आई। शाम को माँ का ध्यान करती, कहती है तारा अगर माँ आज मैं रुक्मण के जागरण में ना पहुंची, आज के बाद कोई भक्त तुझे नहीं मानेगा, कोई ऐसा चमत्कार कर जिससे राजा को नींद आ जाए। शाम से रात हो गई, राजा को नींद नहीं आई। माँ का स्मरण किया तारा ने, वो आजा के जिंदगानी का। माँ के कानों में करुण पुकार चली, माँ ने एक हवा का ऐसा झोंका चलाया, राजा को ऐसी हवा लगी मानो वो 10 दिन से नहीं सोए, ऐसी नींद आ गई। रानी तारा ने गोद से तकिए सर उतारा, राजा का तकिए पर रख दिया। बोल सकते नींद आई है। रानी तारा उतर कर देखती है, राजा ने चारों तरफ महलों में पहरेदार खड़े किए, किधर से जाऊं, रास्ता नहीं। लेकिन जिस कमरे में है, माँ की असीम कृपा से उस कमरे में उसे जंगला दिख जाता है। जंगले के रास्ते साड़ी का पल्लू बांधती है, साड़ी के पल्लू के रास्ते उतरती है, चप्पल भी नहीं पहनती, नंगे पैर पहुंच जाती कहां, जहां रुक्मण ने जागरण किया है। बोल सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की। रुक्मण के यहां जंगले से कूदी, नंगे पैर चलती चलती पहुंच गई कहां, जहां रुक्मण ने जागरण किया है। रुक्मण के घर पहुंची, कहती रुक्मण जल्दी से जल्द मां की पूजा अर्चना शुरू कर और जल्द से जल्द प्रसाद बांट कर मुझको विदा कर। बोल सच्चे दरबार की, क्योंकि भक्तों ये प्रथा चली आ रही है। आजकल जागरण वाले क्या करते हैं आपको बता दूं मैं हकीकत, सवेरे 8-8, 9-9, 7-7 बजे तक जागरण करते हैं, लेकिन असली जागरण जो होता है वो तारों की छांव में महारानी माता की आरती हो जानी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने धंधा बना लिया धर्म को। रुक्मण ने सारी रात किस प्रकार आज रावत परिवार में माँ का सुंदर गुणगान हुआ, ऐसे रुक्मण के यहाँ हुआ। तारा कहती जल्द से जल्द माँ की आरती कर ले। रुक्मण कहती रुक जाओ तारा रानी, प्रातः काल की 4 बजे माँ की आरती करेंगे। कहते इतनी देर में तो पति अगर मेरा उठ गया बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कहते कुछ भी हो माँ पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। धीरे धीरे समय बीता, 4 बजे माँ की आरती की गई। आरती की गई उधर राजा की नींद खुल गई। राजा की नींद खुली, तारा को नहीं देखकर घबरा दिया, नीचे पहरेदारों के पास जाता, बताओ महारानी तारा कहाँ है। कहती महारानी तारा नीचे नहीं आई महाराज। कहती तुम्हारे इतने पहरेदार खड़े किए फिर भी तारा साफ हो गई। कहती महाराज यहां नहीं आई, महल में ही है तारा। महल में जाकर चारों तरफ देखते हैं, ढूंढते हैं, कहीं तारा नहीं मिलती। अंदर कमरे में जाकर के देखते हैं, जंगला, जंगले में साड़ी का पल्लू बंधा है। कहते ओहो तारा इस रास्ते से गई, साड़ी के पल्लू के रास्ते खुद पहुंचते हैं, पैर के निशान देखकर पहुंच जाते हैं कहां, जहां रुक्मण ने जागरण किया, टेंट के पीछे खड़े हो गए जाकर। प्रातःकाल का समय, मां की आरती, मां को भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद सर पर तब प्रसाद, काय का प्रसाद है, मांस और मदिरा। सर्वप्रथम प्रसाद दिया गया तारा, क्योंकि तारा को बहुत जल्दी है, पति उठ गया तो बुरा हो जाएगा। तारा को प्रसाद दिया, तारा ने झोली फैला दिया, रुक्मण इस झोली में प्रसाद दिया। कहती तारा रानी क्यों, थोड़ा प्रसाद खा लो। कहते नहीं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में पति से पहले नहीं खाते, पहले पति को भोग लगाऊंगी बाद में मैं खाऊंगी। कहते नहीं महारानी, मैं नीच जाति की इसलिए भेद कर रही हूं इसलिए नहीं खा रही। कहते ऐसी कोई बात नहीं है रुक्मण। कह रही नहीं है तो थोड़ा प्रसाद चख लो। रानी तारा उसमें से थोड़ा मांस का प्रसाद चख लेती। बोल सच्चे प्रसाद चखते देख लेता है राजा पीछे, साड़ी के पल्लू में मांस और मदिरा का प्रसाद बंधा है। जैसे ही बाहर निकली तारा, राजा कहता रुक जा तारा, विकेट विकेट, आप भी सो रहे हो मुझे पता है, आपका टिकट महंगा है, कोई दिक्कत नहीं है, बालकोनी वालों कम से कम जयकारे लगा लो। कौन सच्ची मौका, हमें कुछ नहीं पता, जब बटे का हलवा तो चल जाएगा पता के खत्म हो गई।
अच्छे से चक्कर में बैठी बिट्टे कथा कहती जैसे ही बाहर निकली कहता है राजा रुक जा तारा आज से तू मेरी पत्नी नहीं मैं तेरा पति नहीं। कहती क्यों स्वामी। कहता तूने हमारा ईमान भ्रष्ट कर दिया धर्म नष्ट कर दिया। कहती कैसे मैंने अपनी आंखों से देखा तारा तूने मांस खाया। कहते नहीं स्वामी मैंने तो माँ के नाम का प्रसाद खाया किस वस्तु का है मुझे नहीं पता। कहता मैंने अपनी आंखों से देखा दिखा अपनी साड़ी का पल्लू यानी साड़ी का पल्लू जैसे दिखाती राजा उसमें झपटा मार देते। जैसे ही झपटा मारा वो मांस और मदिरे का प्रसाद पृथ्वी पर गिर जाता है और पृथ्वी पे गिरते ही काजू बादाम किशमिश मखाने छुआरे बन जाता है मांस के और जो मदिरा है उसका केसर बन जाता है। बोल सच्चे दरबार की। ये देखकर हिल जाता है राजा कहता हो ना हो रानी जिसकी उपासक हो अवश्य कोई जादूगर। कहता तारा मैं तेरी माँ का पंथ जानना चाहता हूँ तेरी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। कहते रहने दे राजा इस प्रकार की घटना कर मेरी माँ का दर्शन करने के लिए तू तलवार की नंगी धार पर नंगे पैर चलना पड़ेगा क्योंकि तीन हट है भक्तों राज हट बाल हट और तिरिया हट और एक और हट है उसका नाम है परे हट। यहां राजा को हट होगी कुछ भी हो माँ के दर्शन करके रहूंगी। कहते मान जा राजा अब भी ना कर हट। कहते क्यों ना कर मैं तुझे बताती मुझे माँ के दर्शन करने उन्हें मान जा राजा उन्हें नहीं कुछ भी हो करूंगा। तुमने बता राजा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है। राजा ने कहा अपने घोड़े और अपने पुत्र से करता हूं। कहते ठीक है चल तो अस्तबल में चल। अस्तबल में ले जाते हैं अस्तबल में राजा का प्यारा घोड़ा बंधा है। बता तारा क्या करना है। करना क्या राजा उठा तलवार काट दे घोड़े की गर्दन। राजा तलवार उठाते हैं घोड़े की गर्दन काट देते। बोल सच्चे को कहा ले उठाता है तलवार घोड़े की गर्दन काट देता। बोल सच्चे दरबार की। कहते ले तारा मैंने घोड़े की गर्दन काट दी अब तो माँ के दर्शन करा। कहते नहीं राजन अभी रुक जा। कहती और क्या करना है तारा उसने करना क्या है। अब अपने बेटे के महल में चल। कहाँ चल बेटे के महल में बेटा सोया है क्या करना है तारा उसने करना क्या है जो घोड़े के साथ क्या बेटे के साथ कर। कहता पागल होगी तारा अरे ये मेरा बेटा मैं इसका बाप हूं। तारा कहती राजन तू तो केवल पाप का बाप है रे मेरे दिल से पूछ मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा है खुद गीले में सोई हूं इसको सूखे में सुलाया है जब मुझे दर्द नहीं हो रहा तुझे भी दर्द नहीं होना चाहिए उठा तलवार काट दे क्योंकि राजा इस समय अपनी हट में है। कैसी हट जैसी हट आज से 3-4 साल पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को 8 नवंबर को हो गई थी कि 2000 और 1000 का नोट 1000 और 500 का नोट बंद ऐसी हटेगी। कहती तू क्या करना है उसने इससे पहले एक काम कर रानी तारा बेटे को तो कटवा रही है पहले मेरा एक कलश भरवा दे कलश भराएगी तब मैं बेटे को काटूंगी। बोल सच्चे दरबार की। नंगे पैर चलना पड़ेगा तो वो नंगे पैर है उठा दोनों का मांस एक छोटे छोटे टुकड़े बना दोनों के मांस के छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। कहते ले तारा मांस के टुकड़े भी बना लिए अब क्या करना है उसने करना क्या अब एक काम कर यज्ञ की जोत जगा कोई माचिस लाइटर नहीं मंत्र उच्चारण से माँ ज्वाला जी को बुला और तब मेरी अपने बेटे और अपने घोड़े के मांस को एक पतीले में पकने रख दे। राजा कहता पागल हो गई तारा क्या सारी परीक्षा मैं दूंगा तेरी माँ कोई परीक्षा नहीं देगी। तारा कहती राजन मेरी माँ परीक्षा की वस्तु नहीं है रे वो तो प्रतीक्षा की वस्तु है और तू देखना चाहता है चमत्कार तो आज मैं तुझे दिखाती हूँ। बोल सच्चे दरबार की। एक ही बात कहती है तारा हे जागो ज्वाला जागो मेरी ज्वाला मात जागो प्रतिपाला मात जागो
राजा ने यज्ञ रचाया तेरी शक्ति को आजमाया। राजा ने यज्ञ रचाया तेरी शक्ति को आजमाया। इतना कहते माँ ज्वाला देवी पूरे राज्य में फैल जाती है। राजा कहता रानी तारा इस आग को शांत कर नहीं तो मेरा पूरा राज पाट फूट जाएगा। रानी तारा जल उठाती जल का एक छीटा देती है चूल्हे के नीचे आग जल करके शुरू हो जाती। कहती इस अग्नि पर आप बेटे और घोड़े के मांस को पकने रखती। बोल सच्चे हलवा चना तैयार हो तो पांच दोने में बाबू जी मंगवाना ढक्के पांच दोने में ढक्के लाओ हलवे और चने का प्रसाद बेटे और घोड़े के मांस को अग्नि पे पकने रख दिया। तारा मांस पक कर के तैयार हो गया आप बता करना क्या। उसने करना क्या है स्वामी अब एक काम करो पांच थाल में सजा करके लाओ। पहला भोग मेरी माँ कालका का दूसरा तेरा तीसरा मेरा चौथा तेरे पुत्र का पांचवा तेरे घोड़े का। कहता पागल हो गई है तारा पुत्र और घोड़े को मैंने अपने हाथ से काटा तारा वो कहां से भोग लगाएंगे। उसने देखा बोल सच्चे दरबार की पांच थाल में वो मांस का प्रसाद सजा करके लाया जाता है घोड़े का। राजा कहता रानी तारा पुत्र और घोड़े को तो मैंने अपने हाथों से मारा है उनका भोग कैसे लेगा। उसने रानी राजा ये तू मत सोच ये सोचना बात मेरी माँ के बस में। बोल सच्चे पांच थाल में वो मांस का प्रसाद लाया जाता सबसे पहले माँ कालका को भोग लगाया जाता। बोलो कालका मैया की जय। दूसरा भोग राजा को दिया जाता जैसे ही राजा वो भोग खाता है उसके मुख में वो उंगली आ जाती जोन से उंगली पकड़ करके राजा अपने बेटे को चलना सिखाता है। और जैसे मुख में उंगली आई राजा की आंखों में आंसू भर गए। रानी तारा कहती देख राजा तेरी आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए अगर आंसू गिर गया ना तेरा बालक जिएगा ना तेरा घोड़ा। एक ही बात कहता है राजा तारा से ओ तारा ये किस कसूर की दी है मुझे सजा घर का चिराग बुझ गया जी कर करूं मैं क्या। तारा जब मेरा पुत्र नहीं बचा है तो मुझे भी मृत्यु दंड दे दे मैं भी जीना नहीं चाहता। तारा कहती राजा मैंने तुझे पहले कहा था मेरी मां के दर्शन करने की हट मत कर। कहती कोई बात नहीं तारा। तीसरा थाल रानी तारा को दिया जाता रानी तारा ने थाल लिया मां के दरबार में रख दिया क्योंकि उसे पता है इसमें बेटे का और घोड़े का मांस एकत्रित है। बोल सच्चे कहती तारा ये दो थाल बचे हैं किसके हैं। कहते राजन ये तेरे पुत्र और तेरे घोड़े का। कहते उठा चौथा थाल और चल अस्तबल में। अस्तबल में जाता है राजा जैसे थाल उठाता है वहां पर घोड़ा खड़ा हुआ मिलता है। बोल सच्चे दरबार की जय। कहता तारा इसे तो मैंने अपने हाथों से काटा था कैसे जीवित हुआ है। कहता है सब मेरी माँ की शक्ति है राजन। कहते अगर घोड़ा जीवित है तो मेरा पुत्र भी जीवित होगा। कहते क्यों नहीं राजा। कहने लगा अपने बेटे को आवाज राजा आवाज लगाते बेटा रोहित दास दौड़ता कूदता हुआ आता पिताजी की गोद में चढ़ जाता। कहता पिताजी आपने तो मुझे बहुत जल्दी बुला लिया अरे मैं तो बच्चों के देवताओं के बालकों के साथ खेल रहा था। कहते नहीं बेटा मैंने तुझे अपने हाथ से तलवार से काटा था। कहा पिताजी जैसे ही आपने तलवार मारी माँ कालका ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया था। बोलो कालका मैया। इतना देख करके राजा वहां कहते रानी तारा अगर आज तू मेरी पत्नी ना होती मैं तेरे चरण धोकर पीता तुझे अपना गुरु बनाता और सारा राजपाट तेरे नाम कर देता। तारा कहती राजपाट तो वैसे भी मेरे नाम है क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं अर्धांगिनी हूं आधा वैसे भी